गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने लास्ट लेक्चर में थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। आज हम सबसे पहले हमारे सिलेबस की बात करेंगे भी क्या इसमें संशोधन हुआ है, क्या हमें किस चैप्टर में कौन सा पोर्शन छोड़ना है और कौन सा करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ्स, तो इसके सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा इसमें है फर्स्ट चैप्टर वैदिक गणित, क्या संशोधन हुआ है वैदिक गणित। तो वैदिक गणित में स्टूडेंट्स 1.4 तो हमारी पहले से ही हटी हुई है, ये रिमूवल पार्ट है। 1.4 तो हमारी पहले से ही हटी हुई है और ये हमें करनी भी नहीं है। तो इसमें करना क्या है, हमें वैदिक गणित का महत्व, वैदिक गणित का महत्व, मूलभूत संक्रियाओं का अभ्यास जिसमें करनी है वर्ग संक्रिया, घनफल संक्रिया, वर्ग संक्रिया और घनफल संक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लिख लोगे भी हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या करना है। जो है हमारा सेकंड चैप्टर, कौन सा चैप्टर सेकंड, वो हमें नहीं करना। सेकंड चैप्टर हमें नहीं करना वास्तविक संख्याएं थे ना सेकंड चैप्टर, ये हमारा पूरे का पूरा रिमूव हो चुका है, ये हमें नहीं करना। थर्ड चैप्टर जो हमारा रनिंग में था, थर्ड चैप्टर है हमारा बहुपद। इसमें लिखते जाओगे स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूं इसमें आपने क्या क्या करना है। इस चैप्टर में आपने बहुपद के शून्यक करने हैं। शून्यक जो मैंने आपको बता दिया था, जो हमें फंक्शन दिया होता है उसको किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के। जो भी एक्स वाई दिया है, चर राशि की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक। और बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध, संबंध भी मैंने आपको करवाए थे। संबंध में क्या था, जैसे हमें इक्वेशन दी होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में जीरो, बी का समीकरण दिया, मूलों का योग करते थे तो क्या करते थे, याद है नहीं ये सारे फॉर्मूले, माइनस बी अपॉन में ए, एक्स का माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणनफल करते थे अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक सी अपॉन में ए, इस फंक्शन से भी वैल्यू निकालते थे और दोनों के मध्य संबंध देखते थे और सत्य सिद्ध करते थे, ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे। और इसमें हमने करना है द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है जी, मानक रूप करेंगे द्विघात समीकरण का, उनकी प्रकृति बतानी होगी कैसी है, विविक्तिकर बताना होगा जो हमने अभी तक इसमें नहीं किया था वो और करना है। लेकिन जो आपके हैं ना इसमें लघुतम समावर्त्य एलसीएम एचसीएफ, वो आपको इस चैप्टर में नहीं करने, ठीक है जी। ये हो गई हमारी थर्ड चैप्टर की बात। फोर्थ चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो हमारा ग्राफ का चैप्टर था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ग्राफ का चैप्टर है। इसमें आपको 4.2 नहीं करनी है, 4.2 नहीं करनी है। इसमें इक्वेशन होती है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, इस प्रकार की इक्वेशन दी होती है, जैसे दे दिया एक्स लेस देन इक्वल 3, अलेखीय विधि से इसका हल समुच्चय दर्शाइए। तो इस प्रकार के जो डार्क करने वाले क्वेश्चन थे उसमें ऐसे ग्राफ बनता है, जैसे ये लाइनिंग है जो संतुष्ट करता था उसको डार्क करना होता था, तो वो क्वेश्चन हमें नहीं करने, लेकिन 4.1 इसमें करेंगे। पांचवें चैप्टर जो हमने कर रखा था, इस चैप्टर में आपके 5.1 वैसे की वैसे ही है, समांतर श्रेणी देखते थे है या नहीं, सारवंतर निकालते थे, आगे के चार पद निकाले थे, 5.2 में एनवे पद के क्वेश्चन भी कर लिए थे। लेकिन 5.3 स्टूडेंट्स इसमें रिमूव हो चुकी है, एन पदों का योगफल निकालते थे ना, जो एन पदों का योगफल एसएन वाले फॉर्मूले से एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो वो आपको इसमें 5.3 चैप्टर नहीं करना, ठीक है जी। चैप्टर 6 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, कौन सा, टेबल वाला, साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक, याद होगा।
त्रिकोणमितीय अनुपात टेबल से मान निकालने, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये वैसे का वैसे ही है। 6.1 और 6th मिसलेनियस, छठा चैप्टर पूरा हमें करना है, इसमें कुछ भी संशोधन नहीं हो। 7वां चैप्टर त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों में क्या रिमूव हुआ है वो सुन लें आप। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है, एक तो वो रिमूव हो गए आपके, और एक आपके हो गए जो पूरक कोण वाले क्वेश्चन थे, पूरक कोण वाले क्वेश्चन थे ना आपके, इसमें जिनका आप करते थे, इसमें 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इस प्रकार के क्वेश्चन थे आपके, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते थे, जो 7.2 चैप्टर था। 7.2 पूरे का पूरा हमारा रिमूव हो चुका है। 7.1 में जो संबंध है ना त्रिकोणमितीय अनुपातों में, आपस में संबंध कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, वन प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस cot स्क्वायर थीटा, इन संबंधों पर निर्धारित क्वेश्चन आपके जो है वो रिमूव हो चुके हैं, हमने ये भी चैप्टर कर रखा था। फिर बात आती है 8वां चैप्टर, ऊंचाई और दूरी, कौन सा चैप्टर, 8वां चैप्टर, तो देखो भी 8वें चैप्टर में क्या हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप इसको लिख लेना, ठीक है जी। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हो, सिलेबस से रिलेटेड या जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपके डाउट हो, ठीक है, तो आप मैसेज करके वो अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अब बात आती है 8वें चैप्टर की, 8वां चैप्टर ऊंचाई और दूरी, जिसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, हमने ये क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, उन्नयन कोण कहाँ से बनता था, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं, तो अवनमन कोण, ये क्वेश्चन किए थे इस प्रकार के हमने, इन पर जैसे भी ये लड़का एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, इस दीवार से इतनी दूरी पर है, इस प्रकार से दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो ये आपके पूरे का पूरा चैप्टर 8वां चैप्टर वैसे का वैसे ही है भी, इसके आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ठीक है जी। अब बात आती है 9वें चैप्टर की, निर्देशांक ज्यामिति, ये भी मैंने आपको करवा दिया था, चैप्टर 9 निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, इसमें हमने किया था एक तो दूरी निकाली थी, आपके याद होगा दूरी सूत्र किया था, और ये दूरी सूत्र 9.1 पूरे में चला था, तो ये आपको करना भी है, ठीक है जी। फिर किया था हमने कार्तीय तल वाले, यानी कि 9.1 आपकी पूरी की पूरी वैसे की वैसे ही है, लेकिन 9.2 आपको एक बार नहीं करनी, ये 9.2 यही मान लो भी आपका ये पार्ट रिमूव हो चुका है, इसमें कुछ एक पार्ट है जो करने वाला होगा वो मैं आपको अपने आप बता दूं, ठीक है, जो करने वाला होगा वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप एक बार किसकी तैयारी रखें 9.1 की। फिर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये जो चार चैप्टर हैं ये हैं हमारे ज्योमेट्री के, ज्यामिति के, किसके हैं, ज्योमेट्री के, ज्यामिति थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है इनमें, तो ये जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा भी इसमें क्या क्या करना है, मैं वो आपको वो ही करवाऊंगा फिर कॉपी में जो हमने इसमें से करना है, ठीक है जी, इसमें जो संशोधन हुआ है मैं अपने आप करवाता जाऊंगा, ठीक है जी। अच्छी तैयारी करो, अच्छे नोट्स बनाओ, साथ साथ वीडियो के साथ साथ नोट्स बना के फिर उनको पढ़ो, ठीक है, फिर भी आपके डाउट होता है तो आप अपने डाउट क्लियर करो, तैयारी करो, अच्छा टाइम है, पढ़ने वाला टाइम है। अब बात आती है आगे भी 15वें चैप्टर की, वर्त की, प्रीति,
और क्षेत्रफल हमने इसमें करना है, क्या करना है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल। इसमें वृत्तखंड और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन हमने नहीं करने, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड से रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें नहीं करेंगे। इसमें वृत्तखंड और त्रिज्याखंड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब आता है 16वां चैप्टर, तो 16वें चैप्टर में आपको बता दिया जाए, इसमें आप 16वें चैप्टर में करोगे बेलन और गोला। क्या करोगे, बेलन और गोला, घनघनाभ नहीं करना है और क्या नहीं करना है, इसमें शंकु नहीं करना, अर्थात हमें चैप्टर कौन से नहीं करने, इसमें 16.1 नहीं करना और 16.3 नहीं करना। ये पार्ट जो है हमारा रिमूव हो चुका है, 16.1 में घनघनाभ आता है और 16.3 में शंकु आता है, तो ये हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है। 17वां चैप्टर, 17वां चैप्टर में बाकी सभी कुछ करना है, सिर्फ इसमें क्या पोर्शन नहीं करना, हमें बहुलक नहीं करना, क्या नहीं करना, बहुलक नहीं करना, समझ गए ये चीज। 18वें चैप्टर को पूरे का पूरा करना है, 18वें चैप्टर को पूरे का पूरा करना है, कोई इसमें संशोधन नहीं है। 19वां चैप्टर सड़क सुरक्षा भी वैसे की वैसे ही, सड़क सुरक्षा शिक्षा ये भी हमें पूरी करनी है, वैसे समझ गए ये चीज। किसी को कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप अपने मैसेज कर देना, कोई क्वेश्चन में दिक्कत, कहीं भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा सिलेबस जो भी है करवाया जाएगा, उसको रिवाइज भी करवाया जाएगा, फिर भी आपकी दिक्कत होती है, आप अपनी दिक्कत एक बार नहीं चाहे 10 बार पूछ के अपने डाउट क्लियर करो और अच्छी तैयारी करो और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अब हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।